आप लोग सुन छा 90.4 कुमावानी अपन रेडियो अपन बात। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमावानी में। जी 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 कैसे हैं सर, कुमावानी के सभी दर्शकों को और पूरे स्टाफ को भी आपको भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुरक्षित रहें मैं तो पहले ये कहूँगा। जी बिल्कुल जी। तो दीपक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी के बारे में बतलाना चाहेंगे, मजदूर एवं किसान संगठन अल्मोड़ा को उन्होंने बहुत नजदीक से जाना है। तो दीपक जी आज मई का महीना और पहली तारीख मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वर्तमान स्थिति में बहुत बड़ा असर मजदूर वर्ग और हमारे श्रमिक वर्गों पर पड़ा है, तो कैसे देख रहे हैं आप वर्तमान स्थिति जो सबसे ज्यादा असर डाल रही है इस समय श्रमिक और कामगारों पर? देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे जो भी जितने भी क्योंकि पूरा कुमाऊं आपको सुनता है और निश्चित रूप से आप हमेशा कोई ना कोई बिंदु को लेके कोई विषय को लेके समाज को सजग करने का कार्य करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयां दूंगा, आपके चैनल को बधाइयां दूंगा, आपके इस पूरे कुमाऊं वाणी की टीम को बधाइयां दूंगा और सबसे ज्यादा उन श्रोताओं को बधाइयां दूंगा जो विश्वास करते हैं आपकी बात सुन के, जो अपने जीवन स्तर पर उन बातों को अमल करते हैं। तो सुरक्षित रहिए और भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग सुरक्षित रहेंगे जी, ऐसी मेरी मेरे तो मनोकामना है। दूसरा, आपने आज मजदूर दिवस की बात की, एक समय था साहब, एक समय था आज से 2 साल पहले जब हम मजदूर दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाते थे। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन 2 वर्षों में पिछले जो पिछला 2020 और 2021 जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मजदूर दिवस को आज एक उत्सव के रूप में हम बना पाएंगे या बनाना हमें चाहिए। एक बड़ा दुखद विषय है कि एक तरफ हम 1 मई 1886 की घटना को याद करते हैं जहां पर हमारे 7 भाइयों ने अमेरिका के अंदर शहादत दे दी थी सिर्फ इस बात से कि 8 घंटे ही मजदूरों से काम कराया जाए क्योंकि हार्ड वर्किंग वो होते हैं और उनकी उन्नति के लिए उससे उनके सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया जाए। लेकिन आज मजदूर ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कोविड काल में पिछले 1 वर्ष से लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप गाँव में जाके देखें, आप उन मजदूर कुलीन बस्तियों में जाके देखें तो सबसे ज्यादा मरने वाला मजदूर है। और मुझे बड़ा दुख भी होता है क्योंकि मैं मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो निम्न वर्ग का जो हमारा मजदूर है वो इस पूरे कोरोना काल से प्रभावित है साहब। एक तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति है, दूसरी तरफ रेड़ी वाला फल वाला मजदूर कारीगर बड़े ये जितने लोग हैं आज ये लोग व्यवसाय से रहित हैं, आज इनके पास कोई रोजगार नहीं है, सरकारें सुनने को तैयार नहीं है, इनकी कोई अप्रोच नहीं है, ये खाली एक वोट देने की मशीन है। और दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का ये है कि वोट देने का सबसे बड़ा प्रतिशत इन्हीं लोगों का रहता है क्योंकि हम इसको मजदूरों का देश कहते हैं, हम इन्हें किसानों का देश कहते हैं, इन्हीं की कोई सुनने वाला नहीं है, हॉस्पिटलों में कहीं कोई सुनवाई नहीं है, वो घरों के अंदर कोरोना से तो बाद में मरेंगे, वो पहले भूखमरी से मर रहे हैं, वो पैसे की तंगी से मर रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये मजदूर दिवस आज एक अभिशाप के रूप में हम मना रहे हैं कि हम कहाँ हैं। दीपक जी ये सब चीजें हो रही हैं और इसको हम महसूस भी कर रहे हैं और इसीलिए हम आज इस मंशा से बात करना चाह रहे हैं कि हम आज इस स्थिति में क्या मदद कर सकते हैं, हम क्या ऐसी पहलें अभी कर सकते हैं जो प्रभावी रूप से कुछ कामगार हो सकती हैं, मददगार हो सकती हैं? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये और बहुत बढ़िया सुझाव भी क्योंकि आप लोगों ने आनी है, मैं अपने आप को मानता हूँ कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये विषय उठाया है, देखिए इस तरह से एक सूत्री कार्यक्रम उन्हें करना चाहिए, जितनी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो आगामी भविष्य के रूप में हम 10 साल 20 साल के लाभान्वित होने के लिए जो हम योजनाएं बनाते हैं और हजारों करोड़ों रुपए का प्रावधान हमने किया हुआ है, हजारों करोड़ों रुपए हम टैक्स के रूप में ले रहे हैं, जो हजारों करोड़ों रुपए की जो हमने योजनाएं बनाई हैं उन सभी को अभी ठंडे बस्ते में डालने का कार्य करना चाहिए क्योंकि जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो भविष्य में उन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। अभी तो सबसे बड़ा मुखी हमें बंद कर देनी चाहिए, मैं ये व्यक्तिगत मेरी राय है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना बंद कर दीजिए, आप बड़ी बड़ी परियोजनाओं को धन देना बंद कर दीजिए और अगर आप उन सभी योजनाओं को बंद करके उनका पैसा अगर आप डाइवर्ट सीधे मजदूर वर्ग के लिए करते हैं, ग्रामीण स्तर पे जाइए, आप पंचायत स्तर पे जाइए, पंचायत स्तर पे अपनी एक शासनिक कमेटी बनाइए, उन पंचायत स्तरों में जाके देखिए कौन कितने लोग उसमें जो जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, जो मनरेगा में जो मजदूर जिन्होंने अपना नाम को अंकित किया हुआ है, जो मजदूर वर्ग वास्तविक रूप से जो बड़े ही हैं, किसान हैं, जो जो बेचारे और दर्जी का काम करते हैं, जो बेचारे मजदूरी का कामगार मजदूर हैं, जो उनके पास आप जाइए और हर पूरे पूरे प्रदेशों के हर जनपद के आप ग्रामीण स्तर पे जाइए और कम से कम नगर पालिका है या महानगर निगम है उनमें जो लिस्टेड लोग हैं, जो आखिरी तबके के जो लोग हैं, उनको आप डायरेक्ट आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाइए।
तो निश्चित रूप से हमारे पास इतना बड़ा तंत्र है कि हम आज उन तक पहुंच सकते हैं, और अगर उन तक हम पहुंच गए, उनकी जान बच गई, तो हिंदुस्तान आगे को खड़ा होगा। चारों तरफ असंतोष और नेगेटिव जो कहा जाता है वो खबरें आ रही हैं, ऐसे में पॉजिटिव क्या देखते हैं आज के दिवस पे? देखिए, पॉजिटिविटी अगर आज के समय देखा जाए, ये संकट का समय है, हर तरफ घोर निराशा है। पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष इस पूरी महामारी से कैसे लड़ता है, अपने लोगों को कैसे बचाता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा आने वाले समय में विश्व के सामने कि एक तरफ हिंदुस्तान में इतने बड़ी महामारी का प्रकोप चल रहा था, लेकिन वहां की सरकार ने, वहां के जन सरोकार नेताओं ने, वहां के समाज सेवियों ने अपने निहित स्वार्थ को त्याग कर इस संकट की घड़ी में सबको गले लगाने का प्रयास किया था। ये आज वक्त आ जाना चाहिए, आज ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने घर में भंडार कितना भरूं। बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं में जो पैसा संचालित किया जा रहा है उसको रोक कर आज गरीबों के लिए पैसा फ्लो करना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहां पर भी हो सके, जैसे भी हो सके, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य मुझे लगता नहीं है बिना मजदूरों के हो सकता। मजदूर इस टाइम पे दुबका हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो उनमें पैसा खर्च करने के बजाय, उन विशालकाय जो परियोजना है उनमें पैसा खर्च करने के बजाय, अगर आज हम अपने मजदूरों को संभाल सकें, उनकी जिंदगी बचा सकें, लोगों का मरना कम कर सकें। और दीपक मेहता जी, आपने समय दिया, अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़े, श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरक्षित रहें जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनने छा 90.4 कुमावन अपन रेडियो अपन बात।